सड़क के किनारे माइक लगाया जा रहा है। माइक क्यों लगाया जा रहा है इसके बारे में भी आपको बताना जरूरी है। ये बड़े बड़े डब्बे लगाए जा रहे हैं, इन डब्बों का क्या इस्तेमाल करेगा, यहाँ पर नगर निगम के हमारे पास सुरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, मैं सीधे उन्हीं से बात करता हूँ। ये डब्बे आप क्या लगाएंगे, इनमें क्या इस तरीके की बातचीत होगी? डब्बे लगाए जा रहे हैं जन जागरूकता के लिए, 45 साल के सभी, 45 से ऊपर वालों के लिए, सभी को टीकाकरण कराएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसीलिए जन जागरूकता के लिए ये माइक नगर पालिका निगम रीवा द्वारा समस्त चौराहों में लगाया जा रहा। समस्त चौराहों में यहाँ पर माइक भी लगाया जाएगा, माइक लगाने के जन जागरूकता फैलाने का एक प्रयास ये भी किया जा रहा है नगर निगम की ओर से, ऐसा कहना था सुरेंद्र सिंह जी का। न्यूज नेटवर्क की टीम इस समय आ चुकी है सिरमौर चौराहे। मैं एक आपको बोर्ड दिखाना चाहूँगा, इस बोर्ड के बारे में लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। कहा जा रहा था देश की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ शराब, लेकिन जिस तरीके से शराब की दुकान में ताला, 60 घंटे के लॉकडाउन के दौरान ये अपने आप में यह बताने के लिए पर्याप्त है कि शराब को लेकर भी इस लॉकडाउन में सरकार थोड़ा सा सख्त नज़र आ रही है। ये इस समय हम मौजूद हैं फ्लाई ओवर के नीचे, यहाँ पर रीवा शहर का मेन चौराहा, यहाँ पर भारी भरकम भीड़ लगातार, यहाँ पर काफिला लगातार भीड़ से भरा रहता, आने जाने वालों को 24 घंटे यहाँ से बामुश्किल निकल पाते हैं वो लोग। मैं आपको चौराहे के आगे भी ले चलूंगा और दिखाऊंगा वहाँ पर किस तरीके का नज़ारा है। टीम इस समय मौजूद है रीवा के स्टैचू चौराहे पर। आमतौर पर यहाँ ज्वेलरी बाजार है, पुराना इलाका है, यहाँ पर तिल रखने की जगह भी नहीं होती, बामुश्किल पुलिस यहाँ की यातायात व्यवस्था संभाल पड़ती है। 24 घंटे यहाँ पर जाम की स्थिति नज़र आती है, जिस तरीके से गलियाँ सन्नाटे में डूबी हुई हैं आप सोच सकते हैं। लॉकडाउन का असर रीवा में फिलहाल अभी दिखाई दे रहा, हालांकि सुबह का वक्त है, लोग इस समय अपने घरों पर भी हैं। ये रोड जो जिस समय इस आपके टीवी स्क्रीन पर जो सड़क दिख रही है, ये रोड यहाँ पर डिवाइडर होने के बाद, आने जाने का अलग अलग इंतज़ाम होने के बाद, यहाँ पर यातायात विभाग लगातार यहाँ पर मौजूद रहता है अमले को, यहाँ पर ट्रैफिक को किनारे करने के लिए, उसके बाद भी यहाँ पर ट्रैफिक बामुश्किल अलग हो पाता है, जाम हमेशा नज़र आता है। जिस तरीके से लॉकडाउन के दूसरे चरण में, कोरोना के दूसरे कार्यकाल में, यह पहला लॉकडाउन 60 घंटे का है, आप खुद देख सकते हैं लॉकडाउन का असर किस तरीके से नज़र आ रहा है। मैं आपको शहर के दूसरे हिस्से की ओर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पर किस तरीके का नज़ारा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।